दिस वीडियो इज फॉर ग्रेड सिक्स एंड सेकेंड वीडियो ऑफ चैप्टर नंबर 3 द ओवर कोट पेज नंबर इज 22 सेकेंड पैराग्राफ राइट सो हेयर वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम हेयर वी हैव टू स्टार्ट लेट्स सी ऑन रीचिंग होम ही सेट डाउन एट वंस एट द टेबल सब्ड हिज कैबेज सूप अप क्विकली एंड ही रोज फ्रॉम द टेबल एंड कॉपीड पेपर्स व्हिच ही हैड ब्रॉट फ्रॉम होम इफ देयर हैपेंड टू बी नन ही टुक कॉपीज फॉर हिमसेल्फ एंड फॉर हिज ओन ग्रेटिफिकेशन especially if the document was noteworthy, not on account of its style, but of its being addressed to some distinguished person. Having written to its heart's content, he lay down to sleep, smiling at the thought of coming day, of what God might send him to copy on the tomorrow. Tomorrow means tomorrow. In this paragraph, bete, on reaching home, kaun pahunchta ghar? He sat down. Kaun baithta hai ghar? We're talking about akake, right? Akake ghar pahunchta hai jab, wo baithta hai table pe, एंड वट हैपेंड ही हैड हिज सूप वो अपना सूप पीता है सब्ड मीन्स पीना अपने सूप कैबेज सूप पीता है और वो टेबल से खड़ा हो जाता है कॉपी करने के लिए बिकॉज आई हैव टोल्ड यू कि उसकी जॉब क्या है टू कॉपी द पेपर्स राइट तो ही लव्स टू डू दैट तो जब उसके पास कोई काम नहीं होता वो घर पर नहीं काम लेके आता तो वो कॉपी करता है खुद के लिए खुद उसकी खुद के लिए जो काम उसको खुद उसको मतलब हैप्पी रखता है उसकी उसकी ग्रेटिफिकेशन के लिए उसके प्लेजर के लिए वो काम करता है ठीक है और वो डॉक्यूमेंट को कॉपी करता है जो नोटिसेबल हो ठीक है स्पेशली जिसके जो किसी डिस्टिंग्विश्ड पर्सन की हो किसी इंपॉर्टेंट पर्सन की डिफरेंट से पर्सन की हो ठीक है बेटे और जब उसका हार्ट सेटिस्फाई हो जाता है वो फुली सेटिस्फाई हो जाता है दैट यस आई हैव डन द वर्क देन ही गोज टू स्लीप एंड ही जस्ट थिंक ऑफ दैट की सुबह मैं उठूंगा एंड अगैन आई एम गोइंग टू डू द वर्क ऑफ कॉपिंग अनदर डे राइट सो लेट सी वट हैपन्स देयर एग्जिस्ट इन सेंट पीटर्सबर्ग अ पावरफुल फो फो मीन्स एनमी होता है ऑफ ऑल दोज ऑफ ऑल हु रिसीव अ सैलरी ऑफ 400 रूबल्स अ ईयर और देयर अबाउट्स दिस फो इज नो अदर देन द नॉर्दर्न कोल्ड ऑल्दो इट इज सेड टू बी वेरी हेल्दी क्या होता है बेटे सेंट पीटर्सबर्ग में ये आपको बताया मैंने कि यहाँ पे जो वेदर है बहुत ज्यादा ठंडा है फ्रीजिंग कोल्ड है तो जब यहाँ की बात हो रही है जब काकेविच जो है कहते हैं एनमी है सबका क्या एनमी है यहाँ पे सबका दुश्मन क्या है यहाँ पे दुश्मन यहाँ पे बेटे ये नहीं है कि कोई पर्सन इज ओवर टॉकिंग अबाउट द वेदर कंडीशन The weather conditions are not appropriate to live because it is very freezing cold over there. ठीक है और इसीलिए कह रहे हैं वो जिनके पास जिनकी सिर्फ सैलरी 400 रूबल्स होती है उनके लिए तो ये एक तरह की और मुसीबत है ठीक है और वो क्या है एनिमी का नाम क्या है इट इज अ नॉर्दर्न कोल्ड कि मतलब ठंड ठीक है ठंड पड़ जाती है बहुत ज्यादा इस इलाके में तो एट एन आर व्हेन द फोरहेड्स ऑफ इवन दोज हु ऑक्यूपाई एग्जाइटेड पोजीशंस एक विद द कोल्ड मतलब मैं क्या बोला मतलब कभी कभी क्या होता था कि भी इतनी ठंड होती थी जो मतलब हाई रैंक पे है जिनकी सैलरी बहुत अच्छी है ना तो मतलब वो भी फ्रीज कर देते उनकी भी आंखों से पानी आ जाता था टीयर्स स्टार्ट टू देयर आइज लेकिन जो इसके कंपैरेटिव जो बेचारा टिटुलर था टिटुलर मींस काउंसलर आई एम टॉकिंग अबाउट काउंसलर मींस अकाकी के बारे में जबकि हमने पहले पढ़ा था वी हैव रेड दिस दैट ही इज हैविंग अ वेरी थिन कोट उसका थिन कोट है ओवर कोट है जो कोट है वो बहुत थिन है पतला है वो ठंड को रोक नहीं पाता है और वो वैसे भी बहुत मतलब मडी है अनटाइडी है टॉर्न ऑफ है ना हमने पढ़ा था ये तो उस ठंड में एक तरह का वो ठंड उसके लिए एक तरह की दुश्मन है एक तरह के एनिमी है बिकॉज ही कांट प्रोटेक्ट हिमसेल्फ फ्रॉम दी कोल्ड वेदर सो इसलिए वो किसे क्या करते थे देयर ओनली सेल्वेशन लाइज इन सेल्वेशन मीन्स वो अपनी प्रिजर्वेशन या अपने आपको बचाते कैसे थे मतलब ट्रैवर्सिंग एज इक्वली क्विकली एज पॉसिबल इन देयर थिन लिटिल ओवरकोट्स 5 or 6 स्ट्रीट्स एंड देन वार्मिंग अप देयर फीट इन द पॉटर्स रूम एंड सो थ्रोइंग ऑल देयर टैलेंट्स एंड क्वालिफिकेशंस फॉर ऑफिशियल सर्विस व्हिच हैड बिकम फ्रोजन ऑन द वे व्हाट हैपेंड बेटे कि जब वो अपने आप को बचाना था उस ठंडे से तो वो क्या करते थे वो अपने ऑफिस से आते हुए बड़े बहुत फास्ट आते थे 3-4 गलियों को मतलब 6-7 स्ट्रीट को क्रॉस करके आते थे और कहाँ आके रेस्ट करते थे पॉटर्स रूम में ठीक है एक तरह का रूम होता है लॉज कह लो आप जहाँ पे कि आग वगैरह जलाई होती है ना मतलब वो अपने आप को वहां पे वार्म अप करते थे और तब अपने आप को वो बचाते थे बिकॉज उनका जो ओवरकोट था काकी का वो तो उसको प्रोटेक्शन देता नहीं था बिकॉज इट वॉज रियली वेरी थिन ठीक है इस तरह वे अपने आप को उस ठंड के मौसम से बचाते थे देन लेट्स सी व्हाट हैपेंस नेक्स्ट
You must know that a khaki Akhavich overcoat served an object of ridicule to the officials. We have already understood that कि जो उसका overcoat था वो क्या था, एक तरह का ridicule था, means everybody laughs to see his overcoat because the condition of the overcoat was very bad. I'm going to start it out. They even refused it the noble name of overcoat and it is a dress jacket. उसको dress jacket का नाम दे दिया गया था. Seeing how the matter stood, Kakekevich decided that it would necessary to take the overcoat to Petrovich the tailor, who lived somewhere on the fourth floor up a dark stairs and who is in spite of having but one eye and pock marks all over his face, busied himself with considerable success in repairing the trousers and coats of officials and others, that is to say when he was sober and not nursing some other scheme in his head. What happens over here? यहाँ पे एक और character का introduction है, that is Petrovich. अब Petrovich कौन है? वो tailor है जो कि कपड़ों को ठीक करता है, मेंड करता है ना, जो फटे पुराने कपड़े थे उनको ठीक कर देता है. अदरवाइज इज अ टेलर. कहाँ रहता है? फोर्थ फ्लोर पे रहता है, पौड़ियाँ चढ़ के, ठीक है, अंधेरा है वहाँ पे. और जो वो टेलर है उसके पॉक मार्क्स हैं पूरे फेस के ऊपर, है ना, एंड वो बहुत बिजी होता है और अपने काम में वो भी ट्राउजर्स ऑफिशियल मतलब सबके कोट्स वगैरह रिपेयर करता है. तो कहते हैं कि व्हाई नॉट आई शुड टेक माई दिस thin overcoat to the Petrovich to get it repaired. Then let's see what happens next. Not it is possible to mend it, it is a rest garment, you must have a new overcoat, said the tailor. I'm just going to complete up to here and then I'll make next video. Okay, kya hota hai, Petrovich kehta hai ye isko mend nahi kar sakta hu, it's a rest garment. Waise rest beta manhoos hota hai, lekin yahan pe kyun kaha gaya isko ki matlab it is bad, it is in poor condition. और वो कहता है पेट्रोपिट इसको कि आप इसको नया ले लो. ओके, थैंक यू.